हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटिक और आज की वीडियो में हम मॉल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो मॉल के बारे में पढ़ा था कि मॉल क्या होता है, मॉल एक मॉल बराबर 6.02 × 10²³ होता है और मॉल से रिलेटेड हमने तीन फॉर्मूला भी पढ़े थे। वो फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमें पदार्थ की मात्रा दे रखी हो तो हम कैसे मॉल याद करें। तो अगर हमें पदार्थ की मात्रा दे रखी हो तो उसका फॉर्मूला होता है मॉल इज इक्वल टू पदार्थ की मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमें अणुओं की संख्या दे रखी है तो हम कैसे मोल याद करें। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या, सेकंड फॉर्मूला। और थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर एनटीपी पर हमें गैस का आयतन दे रखा हो तो हम मोल की संख्या कैसे याद करें। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू आयतन अपॉन 5.4 लीटर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूले के बेस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल लिख रखा है कि 34 ग्राम अमोनिया जिसका सूत्र होता है NH3 के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें मतलब 34 ग्राम अमोनिया दे रखी है जिसमें मोलों की संख्या बतानी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम जो भी हमें न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज हमको दे रखी है सबसे पहले इसको लिख दो। तो हमें क्या दे रखा है, V1S हमको दे रखा है अमोनिया की मात्रा कितनी, 34 ग्राम अमोनिया की मात्रा। W = 34 ग्राम। ठीक है, और हमें निकालना है इनके मोल। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें पहले नंबर का फॉर्मूला लगेगा N = W/M, क्योंकि हमारे पास में पदार्थ की मात्रा है, हमें इसका मोलर मास निकालना है। तो NH3 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना होगा, नाइट्रोजन का 1 का परमाणु 14 और हाइड्रोजन का 1 परमाणु 1 होता है, यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 17 AMU, या आप ग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में अमोनिया की मात्रा आएगी और इसका मोलर मास मतलब कि M आ गया। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर रखकर हम इसका मान निकालेंगे। तो मोल बराबर क्या हो जाएंगे, मोल N = W/M। ठीक है, तो W कितना है अपने पास में 34 और M कितना है, मोलर मास कितना है 17, तो ये आ गया 2 मोल, मतलब कि 2 मोल है ना। तो मतलब 34 ग्राम अमोनिया की मोलों की संख्या कितनी है, 2 मोल है। तो 34 ग्राम अमोनिया NH3 के मोल N = 2 मोल। ठीक है, तो ये हमने निकाले, कैसे निकाला कि हमको पदार्थ की मात्रा दे रखी 34 ग्राम, हमने इसका मोलर मास निकाला 17 और फिर फॉर्मूले के अंदर मान रख दिया अपने पास में इनका माना गया 2 मोल। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो मैं इसको मिटा देता हूं। जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है वो है कि 5 मोल कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। 5 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 मोल कास्टिक सोडा का हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब की बार हमको क्या दे रखा है कि मोल दे रखा है और हमें पदार्थ की मात्रा पूछी, मतलब उसका द्रव्यमान पूछा है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखो V1S, हमको दे रखा है N = हमको दे रखा है 5 मोल। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें W ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, N = W/M। ठीक है, या आप सबसे पहले आप M का मान निकालो, यहां से कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaOH, तो NaOH का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान कितना होगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 40 AMU। ठीक है, तो हमारे पास में N = कितना है, N = अपने पास में 5 है, W हमको ज्ञात करना है और M कितना है 40 आया, तो यहां से W = कितना आ जाएगा
5 × 14 = 200, तो 200 ग्राम। तो 5 ग्राम कास्टिक सोडा का द्रव्यमान कितना आया? 200 ग्राम आया। ठीक है, देखो कैसे किया, हमको क्या दे रखी, हमें मोल में मात्रा दे रखी कास्टिक सोडा की, और हमें पूछ रहा है इसकी मात्रा निकालनी। तो पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, n = W/m, जहां पर n का मान 5 है और m हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। कास्टिक सोडा फॉर्मूला अनियोज्य होता है, तो इसका जो मोलर मास है वो 40 mu आया, और इसका मान हमने फॉर्मूला में रखा और अपने जो आंसर आया वो है 200 ग्राम। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। दो मोल ऑक्सीजन गैस में उपस्थित है, 2 मोल ऑक्सीजन गैस में उपस्थित अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या हमारे कि 2 मोल ऑक्सीजन गैस में उपस्थित अणु की संख्या ज्ञात करनी। अब के बार हमें क्या कहते हैं, हमें मोल दे रखे और हमें अणु की संख्या ज्ञात करनी। तो हम जानते हैं कि इस बार जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, n = n₀/NA, जहां पर n क्या है मोल है, n₀ क्या है अणु की संख्या, और NA क्या है अवोगाद्रो संख्या। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है, हमें दे रखा है ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन गैस के मोल दे रखे ना, ऑक्सीजन गैस O₂ के मोल, यानी कि हमको n दे रखा है 2 मोल। ठीक है, और हम अवोगाद्रो संख्या NA तो जानते हैं, अवोगाद्रो संख्या NA क्या होती है, 6.022 × 10²³। अब हमें ज्ञात करनी अणु की संख्या, तो O₂ के अणु की संख्या, O₂ यानी ऑक्सीजन है ना, O₂ गैस के अणु की संख्या, ये ज्ञात करना हमको। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n = n₀/NA। तो हमारे पास में n कितना है 2 मोल, n₀ हमको ज्ञात करना है, और NA कितना है 6.022 × 10²³। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो n₀ = कितना आ जाएगा, 440.12 × 10²³। ठीक है, देखो इसका मान मतलब कि हमारे पास में 2 मोल में ऑक्सीजन अणु की है, ऑक्सीजन के अणु कितने उपस्थित है, इतने 12.044 × 10²³ अणु उपस्थित है 2 मोल के अंदर। क्या क्या हमने, हमको दे रखे थे मोल दे रखे थे, एन बराबर 2 मोल दे रखे थे, हमसे क्या पूछी अणु की संख्या पूछी। तो हम जानते हैं कि अणु संख्या दी पूछी, तो फॉर्मूला लगेगा n = n₀/NA। ठीक है, फॉर्मूला लिखा, n = 2 दे रखा था, n₀ हमको ज्ञात करना था, और n = होता है 6.022 × 10²³। आप इसको जब सोल्व करोगे तो 12.044 × 10²³ आंसर आएंगे। तो मतलब 2 मोल में अणु की संख्या, ऑक्सीजन के अणु की संख्या इतनी है। ठीक है, अब हम करते हैं नाइट्रोजन गैस में3.011 × 10²³ अणु उपस्थित है, नाइट्रोजन गैस में 3.011 × 10²³ अणु उपस्थित है, तो नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या न्यूमेरिकल क्या है अपना, कि नाइट्रोजन गैस में 3.011 × 10²³ अणु उपस्थित है, तो नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है।
अब की बार हमको क्या दे रखा है, हमें अणुओं की संख्या दे रखी है और हमें मोलों की संख्या पूछ रखी है। तो सिंपल सा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अणु की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो आंसर करते अभी जीवन एस हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है एन टू गैस के मोलों की, एन टू गैस के अणु, एन टू गैस के, एन टू गैस के अणु की संख्या। एन नॉट हमको दे रखा है 3.011 इंटू 10^23 दे रखा है। ठीक है, और अवोगाद्रो संख्या एन इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10^23 होता है। हमें क्या निकालना है, हमें मोल निकालना है, तो मोल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एन नॉट अपॉन एन ए। ठीक है, तो एन नॉट कितना है 3.011 इंटू 10^23 अपॉन अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10^23। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा लगभग ये तो 1/2 यानी कि 0.5। तो इसके जो आंसर आएंगे लगभग लगभग नहीं पूरा आएंगे 0.5 मोल, मतलब कि नाइट्रोजन के इस मतलब नाइट्रोजन की जो मोल आएंगे वो आएंगे 0.1। तो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस में इतने अणु है, तो इतने अणुओं के जो है ना मोलों की संख्या कितनी है कि 0.5 मोल इतना है, यानी 0.5 मोल N2 गैस। ठीक है, हमने क्या किया इसके अंदर, हमको दे रखी थी मतलब अणुओं की संख्या दे रखी थी और हमें पूछी मोलों की संख्या, तो ये फॉर्मूला यूज किया हमने जहां पर अणुओं की संख्या ली थी और अवोगाद्रो संख्या भाग दे दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ मोल प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब एक बार देख लो, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 मोल H2 गैस का, यानी हाइड्रोजन गैस का 10 मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। 10 मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें आपको क्या दे रखा है एनटीपी पर है, तो आपको पता चलेगा एनटीपी पर आयतन ज्ञात है, तो हम थर्ड नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे जहां मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V / 22.4। ठीक है, हमें यहां पर क्या दे रखा है, हमें दे रखी है मोलों की संख्या दे रखी है, गिवन एज H2 गैस के मोल। मोल यानी हमको दे रखा है N इज इक्वल टू 10 है ना, और हमसे क्या पूछा है एनटीपी पर आयतन, तो हम फॉर्मूला जानते हैं एन इजिकल टू वी अपॉन 22.4 लीटर। तो एन इजिकल टू आपको देगा 10 और वी आपको फाइंड आउट करना है और ये 22.4 लीटर, तो वी इजिकल टू कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 10 मतलब कि 224 लीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब इसके अंदर क्या कर रहा था कि हमको मोलों की संख्या दे रखी थी और हमसे क्या पूछ रखा है आयतन पूछ रखा है, तो हम एनटीपी पर आयतन का फॉर्मूला जानते हैं एनर्जी टू वी अपॉन 22.4 लीटर। हमने सिंपल सा मान रखा है यहाँ पर एनर्जी टू 10, वी का मान ज्ञात करना है और 22.4 लीटर, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 224 लीटर। ठीक है, ठीक, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है अपना एनटीपी पर, एनटीपी पर 44.8 लीटर
एक लीटर क्लोरीन गैस एनटीपी पर 6.8 लीटर क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन है कि एनटीपी पर हमें क्लोरीन गैस का पहले आयतन दे रखा है 44.8 लीटर क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब कि हमें एनटीपी पर क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है और हमसे क्या पूछ रखा है, मोलों की संख्या पूछ रखी है। तो हम 3rd नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आंसर गिवन है, हमको क्या दे रखा है, पहले वो लिखो, हमको दे रखा है एनटीपी पर Cl2 का आयतन, Cl2 मतलब क्लोरीन का आयतन दे रखा है V=44.8 लीटर। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा मोल की संख्या, तो मोल N=2 क्या हो जाएंगे, मोल N=2 V/22.4। ठीक है, तो N=V का मान कितना है 44.8 अपॉन इसका मान है 22.4, तो N=2 मोल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। N=2 कितने मोल आएंगे, 2 मोल आएंगे। मतलब एनटीपी पर अगर एनटीपी क्लोरीन का आयतन ये है, मतलब एनटीपी क्लोरीन का आयतन कितना है 44.8 लीटर है, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, इसके मोलों की संख्या होगी 2। ठीक है, कैसे किया हमने, सिंपल वही एनटीपी पर हमें आयतन दे रखा था, फॉर्मूला यूज किया, मान रखा और N=2 मोलों की संख्या हमने ज्ञात कर ली जो आई 2 मोल। ठीक है, अब हम करते हैं अलग न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 77। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में उपस्थित अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में उपस्थित अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। दो फॉर्मूले यूज़ कैसे होंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी दे रखी है 16 ग्राम। जब भी आप इसकी मात्रा निकालो, जब भी ऑक्सीजन गैस की है किसी भी मात्रा निकालो, उसका मोलर मास निकाल लो, तो O2 यानी ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान ये W हो गया और ये M हो गया। ठीक है, तो देखो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का हो जाएगा 32। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें अणु की संख्या ज्ञात करनी है, तो अणु की संख्या ज्ञात करनी, तो हम जानते हैं अणु की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे N=N₀ / NA। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, हमें N₀ ज्ञात होना चाहिए, हमें N ज्ञात होना चाहिए और NA ज्ञात होना चाहिए। तो N का मान मोल हमें पहले ज्ञात करेंगे, तो मोल हम इससे ज्ञात करेंगे, मतलब पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब इसके अंदर दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। तो पहले हम फर्स्ट फॉर्मूले से मोल ज्ञात कर लेते हैं, मोल W कितना है 16 अपन हम कितना 32 1/2, तो मोल कितना आ गया आपके पास में, आपके पास में मोल आ गया 1/2। अब आपको क्या ज्ञात करनी, अणु की संख्या ज्ञात करनी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, पहले तो आपने ये किया, अब सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वापिस ये आपको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, मोल N=N₀ / NA। आपको क्या ज्ञात करना, आपको तो N₀ ज्ञात करना, N₀ = N ×NA, तो N=2 कितना आया 1/2 आया।
इंटू एन होगा जो संख्या 6.022 × 10²³ होते हैं ना, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके आएगा 3.011 × 10²³ अनुग्रह। ठीक है, देखो इस सवाल के अंदर क्या हुआ, इस सवाल के अंदर दो फॉर्मूले यूज हुए, दो फॉर्मूले को हमने उपयोग किया। फर्स्ट फॉर्मूले की सहायता से तो हमने क्या किया, मोल ज्ञात किया, और सेकंड में फिर हमने कणों की संख्या या अणुओं की संख्या ज्ञात की। एक बार इसको वापस बता देता हूँ, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की मात्रा दे रखी है डब्ल्यू, वो हमने लिख दी, और जब भी आप किसी की मात्रा निकालो तो उसके साथ में उसका मोलर द्रव्यमान निकाल दिया करो, तो उसका मोलर द्रव्यमान आ गया 32 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या डब्ल्यू है और एम है, तो हम इसकी सहायता से मोल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगाकर मोल ज्ञात कर लिया, मोल है हमारे पास में 1/2। ठीक है, और फिर हमें तो ज्ञात करनी अणुओं की संख्या ज्ञात करनी, तो हम जानते हैं कि अगर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी होती तो हमारा फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू अणुओं की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या, ये सेकंड वाला फॉर्मूला। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा जहां पर हमारे पास में मोल था और अवोगाद्रो संख्या थी, तो इससे हमने अणुओं की संख्या ज्ञात कर ली, तो कितने आई 3.011 × 10²³ अणु आई। ठीक है, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी है 3.011 × 10²। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक इसको मिटा देता हूं। न्यूमेरिकल एट अपने पास में की 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, 14 ग्राम एनटीपी पर नाइट्रोजन का आयतन ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल क्या है अपना, 14 ग्राम एनटीपी पर नाइट्रोजन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें नाइट्रोजन की मात्रा दे रखी है और हमसे पूछ क्या रखा है, हमें एनटीपी उसका आयतन पूछ रखा है, मतलब क्या, देखो हमें मात्रा दे रखी है मतलब हमारा एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा मात्रा के लिए, और सेकंड हमसे पूछा आयतन ज्ञात करना है, तो एक ये फॉर्मूला यूज होगा, पहला और तीसरा फॉर्मूला यूज होगा, देखो हम करते हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमको दे रखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा यानी W हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 14 ग्राम। ओके, जब भी मात्रा निकालो तो मोलर मास निकालो, तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान M इक्वल टू नाइट्रोजन एनटीपी नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा यह नाइट्रोजन यानी N2 का, तो ये हो जाएगा एक का होता है, देखो नाइट्रोजन गैस N2 होती है ना, एक का होता है 14, दो का हो जाएगा 28 AMU। ओके, तो हमारे पास में क्या W है, हमारे पास में M है, तो हम मोल ज्ञात कर सकते हैं। तो मोल फर्स्ट हम मोल ज्ञात कर लेते हैं, मोल इज इक्वल टू एम इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू हमारे पास में 14 है और एम इजिकल टू 28 है, तो ये भी आ गया 1/2 आ गया। चलो ठीक है, वापस मोल हमारे 1/2 आ गए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो गैस का आयतन यहां से लिखेंगे वापिस एन इजिकल टू बी अपॉन 22.4, तो हमको तो बी ज्ञात करना है, तो एन इंटू 22.4, एन का मान कितना 1/2 इंटू कितना 22.4 है, आप जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 11.2 लीटर। ठीक है, मतलब एंटी 14 ग्राम एंटीप्यून नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना है 11.2 लीटर। देखो कैसे क्या, एक बार वापिस बताता हूँ, सवाल है अपना कि 14 ग्राम एनटीपी पर नाइट्रोजन गैस का आयतन ज्ञात करना है, 14 ग्राम एनटीपी पर नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन का नहीं नाइट्रोजन गैस N2 होती है, तो आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है नाइट्रोजन गैस की मात्रा दे रखी है 14 ग्राम,
और जब मात्रा दे रखी तो हम इसका मोलर मास ज्ञात ही कर सकते हैं, मोलर मास हो गया इसका 28, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास में पदार्थ की मात्रा है और उसका मोलर मास है तो हम आसानी से उसकी मोल की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने उसकी मोल की मात्रा ज्ञात कर ली जो है 1/2, ठीक है। फिर हमको क्या ज्ञात करना था, हमें एनटीपी उसका आयतन ज्ञात करना था, तो हम तीसरे नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि मोल बराबर आयतन अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ पर हमने हमारे पास मोल की मात्रा है, मोल की मात्रा कितनी है 1/2 और ये कितना है 22.4 लीटर, तो यहाँ से वी का मान आ जाएगा मतलब कि आयतन आ जाएगा जो आएगा 11.2 लीटर, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस के 11.2 लीटर में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस में एनटीपी पर एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस के 11.2 लीटर आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल क्या है हमारा, अपना न्यूमेरिकल क्या है कि एनटीपी पर गैस के ऑक्सीजन गैस के 11.2 लीटर आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो अब हमारे पास में क्या एनटीपी पर गैस का आयतन दे रखा है 11.2 लीटर, मतलब एक तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड वाला, और दूसरा क्या है कि उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करनी, अणुओं की संख्या के लिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस बार के दो फॉर्मूला यूज होंगे, कौन कौन से, सेकंड और थर्ड वाला। तो हम पहले हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, हमें दे रखा है कि गिवन एस है, गिवन एस हमको दे रखा है ऑक्सीजन का मतलब एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना दे रखा है 11.2 लीटर, ठीक है। और हम जानते हैं 11.2 लीटर दे रखा, तो हम मोल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। तो V का मान हमारे पास में क्या, ये इधर ये V है ना, तो V इक्वल टू क्या है 11.2 अपॉन 22.4, तो हम इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा 1/2 है, ये भी 1/2 है, चलो ठीक है, N इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में क्या है मोल आ गया, मतलब कि 11.2 लीटर में मोलों की संख्या कितनी है 1/2 मोल। हमें क्या पूछा, हमें तो पूछा है कि उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करनी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तो फर्स्ट हो गया मोल निकालने, अब अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या तो क्या होगा, अणुओं की संख्या के लिए मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। मोल कितना है 1/2 और अवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 × 10⁻³, तो अपना आंसर आ जाएंगे 3.011 × 10⁻³ अणुओं, मतलब कि 11.2 लीटर आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है 3.011 × 10⁻³ अणु है, ठीक है। क्या किया हमने, हमारे पास में एनटीपी पर गैस का आयतन दे रखा था, तो हमें पता चल गया कि हम पहले थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसे मोल ज्ञात करेंगे। फिर हम अणुओं की संख्या ज्ञात करनी, अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज की है, यहाँ पर N₀ / NA यूज किया, तो यूज किया तो मतलब हमारे पास में मोल आ गया, तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी मोल इंटू N, तो मोल 1/2 यहां से हमने फाइंड आउट किया था। और अवोगाड्रो संख्या कितनी होती है हम सबको पता है, इसको जब हम सरल करेंगे तो 3.011 × 10⁻³ अणु आ जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूं। ये लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर और देखेंगे बाद में। लास्ट न्यूमेरिकल है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए,
ऑक्सीजन के एक परमाणु का ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं लिखा है। जब भी ऐसा है कि किसी पदार्थ के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो या किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं। सूत्र एक है, ये आप याद कर लेना। किसी पदार्थ के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान बट्टा अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। जब भी किसी पदार्थ के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछे या किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान पूछे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। किसी पदार्थ के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होगा परमाणु द्रव्यमान बट्टा अवोगाद्रो नंबर। जैसे इस सवाल के अंदर देखो कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो आप लिखोगे ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, क्या होता है? 6.022 × 10⁻³। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग इसको हम काटे 8 × 3 × 6, लगभग आपके पास में लगभग आइए, एक्यूरेट तो नहीं है बट लगभग आ जाएंगे 2.66 × 10⁻²⁷ ग्राम, लगभग आएंगे। ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, आप मोबाइल में करके देख लेना। तो देखो किसी भी ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछा, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किसी पदार्थ के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ठीक है? तो ऑक्सीजन के एक परमाणु पूछा, तो ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, ये 16 लिख दिया और यहाँ पर कितना लिख दिया? अवोगाद्रो नंबर। तो ये अपना आंसर है। जैसे यहाँ पर पूछ लेता है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करो, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करो, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, और यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की जगह अणु द्रव्यमान यूज कर लेते हैं, और तो अणु द्रव्यमान यहाँ पर कितना हो जाता है? 16 की जगह 32 हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ वो परमाणु अणु के ऊपर है कि वो परमाणु पूछे अणु पूछे। तो आज की वीडियो में हमने 10 न्यूमेरिकल किए थे, मैंने वही न्यूमेरिकल कराए जो फॉर्मूला बेस पर आधारित है, फॉर्मूले पर ही आधारित है जो